उज्जैन के बक्सी रोड पर हरसोदन ग्राम पंचायत क्षेत्र में शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संदेश के वाचन को सुनाया गया और साथ ही में फिर बड़ी संख्या में आए हुए हितग्राहियों का पुष्प माला पहनाकर स्वागत किया गया और फिर गरीब जरूरतमंद परिवारों के सदस्यों को राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा दिए जाने वाले निःशुल्क खाद्यान्न राशन का वितरण किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार खाद्यान्न किस प्रकार से उपलब्ध कराना चाहती है और किस प्रकार सरकार की क्या मंशा है? केंद्र की सरकार के मुखिया माननीय नरेंद्र जी मोदी ने अंत्योदय ही विकास है के नारे को सार्थक करते हुए गरीब तबके को 5 किलो राशन सहकारिता के माध्यम से दुकानों की उचित मूल्य की दुकानों से आज पूरे देश में 5 किलो अनाज का मुफ्त वितरण किया जा रहा है। उसी कड़ी में आज ये हर्षोदन संस्था पर 5 किलो केंद्र सरकार का और 5 किलो राज्य शासन का माननीय मुख्यमंत्री जी का दोनों को मिलाकर 10 किलो प्रत्येक हितग्राही को ठेले के रूप में आज अनाज का मुफ्त वितरण किया गया। उस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हितग्राही एवं शाखा के इस संस्था के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री जी आज देश को उद्बोधन करेंगे किस प्रकार से और माननीय मुख्यमंत्री जी उद्बोधन करेंगे किस प्रकार से व्यवस्थाएं की गई किस प्रकार से अन्न महोत्सव मनाया गया? ये केंद्र राज्य सरकार दोनों की योजना कार्य योजना है। इसमें 5 किलो राज्य शासन का और 5 किलो केंद्र सरकार का अन्नदान के रूप में एकत्रित किया गया है और प्रधानमंत्री जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी दोनों 11 के पश्चात इसका उद्बोधन करेंगे, हितग्राहियों के लिए उद्बोधन करेंगे। वॉइस ऑफ राइट्स के उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।